पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे करेंसी एक्सचेंज। वियतनाम तो जाएंगे आप, घपा घप भी करेंगे, लेकिन वियतनाम जाने के लिए पैसा कहाँ बदलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि बेस्ट एक्सचेंज रेट पे पैसा आप कहाँ बदलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका इस ट्रेवल जर्नी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। तो आज हम बात करेंगे करेंसी एक्सचेंज की। घपा घप तो हुई, लेकिन पैसवा कहां बदली हुई। सो दोस्तों, वियतनाम या किसी भी कंट्री जाने के लिए सबसे पहले आपको उस देश की लोकल करेंसी होनी चाहिए आपके पास। तो लोकल करेंसी आप कहां से लें? काफ़ी लोग एयरपोर्ट सजेस्ट करते हैं या एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से बिल्कुल भी नहीं कराना है, क्योंकि वहाँ रेट महंगे होते हैं। एयरपोर्ट वाले पेल देते हैं। तो भाई, जब एयरपोर्ट वाले पेल देते हैं तो हम कहाँ एक्सचेंज कराएं? आइए हम बताते हैं कहाँ एक्सचेंज कराएंगे। आपको मैं तीन जगह रिकमेंड करूँगा। पहला, नज़दीकी वेस्टर्न यूनियन ब्रांच, नज़दीकी वेस्टर्न यूनियन की शाखा में। अपने नज़दीकी वेस्टर्न यूनियन की शाखा या एजेंट का नंबर ढूंढने के लिए आपको जाना है इस वेबसाइट पे www.westernunion.com। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, आपको कौन सी कंट्री में चाहिए आपको वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस। यहाँ पे जैसे हम इंडिया डालेंगे, इंडिया में हम जैसे डाल देते हैं दिल्ली, और यहाँ पे भी डाल देते हैं लक्ष्मी नगर। यहाँ पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। अब लक्ष्मी नगर में जितने भी वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस हैं या एजेंसियाँ हैं, उनके यहाँ पे देखिए सबके डिटेल आ गए हैं। इसी प्रकार इसमें लिस्ट में चेक कर लें, आपके जो नियर पड़ेगा उससे यहाँ पे फ़ोन करके बात कर लें, उनके ब्रांच में जाके अपना आसानी से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडिया से। तो आपने करेंसी एक्सचेंज करा लिया, अब आप इंडिया के बाहर से वियतनाम में हैं। अब आपके पास यहाँ से US डॉलर लेके गए, अब वियतनाम में आपको US डॉलर से आपको वियतनाम डोंग लेना है, ठीक है। तो आप कहाँ हैं? हो ची मिन सिटी में। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, वियतनाम, यहाँ डालेंगे हो ची मिन सिटी, जहाँ आप हैं गो पे करेंगे। ये देखिए, अब हो ची मिन सिटी में जितनी इनकी एजेंसियाँ हैं, जितने इनके ब्रांच हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई। तो आपके पास में जो पड़े यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे मोबाइल से आप करेंगे डायरेक्शन पे क्लिक करें तो ये आपका रास्ता बता देगा। तो जो आपके नज़दीक में पड़े, यहाँ पे देखिए KM दिखाता है, जो आपके नज़दीक में वहाँ जाके आप आराम से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। आप अपना उनको डॉलर दे के वियतनाम डोंग ले सकते हैं, और जब आप वियतनाम छोड़ें तो आपके पास अगर वियतनाम डोंग बच जाए तो आपके नज़दीकी वेस्टर्न यूनियन की शाखा में जाके आप अपना डोंग दे के डॉलर या इंडियन करेंसी ले सकते हैं। दूसरा, नियरेस्ट थॉमस कुक ब्रांच, नज़दीकी थॉमस कुक की शाखा में, www.thomascook.in। उसके बाद यहाँ स्टोर पे जाके क्लिक करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ दिल्ली, ठीक, दिल्ली में कौन सी जगह, न्यू दिल्ली। यहाँ पे लोकलिटी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे हमें कर्नाट पैलेस में चाहिए, ठीक। अब हमें किस लिए चाहिए? फॉरेक्स, हमें भाई पैसा चेंज करना चाहिए। यहाँ पर फाइंड स्टोर करेंगे। अब ये देखिए इनका ब्रांच का एड्रेस आ गया, ये देखिए K40 आउटर सर्किल कर्नाट पैलेस। तो आप यहाँ जाके इस नंबर फ़ोन करके यहाँ जाके अपना करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। तीसरा, एबिक्स मनी, नज़दीकी एबिक्स मनी की शाखा में। ये इनकी वेबसाइट खुल गई, तो आप यहाँ पे सीधे जाएंगे, नीचे ब्रांचेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कौन सी, यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, ये दिल्ली, दिल्ली में सेलेक्ट करूँगा। दिल्ली में देखिए इनकी जितनी भी ब्रांच हैं, यहाँ पे 4 ब्रांच हैं, इसमें जो आपके नज़दीक पड़ेगा उस ब्रांच पे आप जा सकते हैं और वहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन इन सबसे बेटर आपको मैं बताऊँगा, सबसे अच्छा आपका वेस्टर्न यूनियन है, वहाँ से कराएं। जैसे आप वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आप अपना इंडियन करेंसी देंगे। इंडियन करेंसी मतलब भारतीय मुद्रा, ये माल। हम वियतनाम घूमने जा रहे हैं, हमें करेंसी एक्सचेंज कराना है, तो वेस्टर्न यूनियन वाले बोलेंगे हमारे पास वियतनाम डोंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वियतनाम डोंग अवेलेबल नहीं होता है। आपको ले जाना होता है वह US करेंसी, US डॉलर। ये आप देख सकते हैं, ये है US डॉलर, ठीक है, ये, ठीक है, ये US डॉलर है। आपको करीब से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ये $1 है। आपने सारे पैसे जितने ही आपको ले जाने हैं, आपको वहाँ से US डॉलर में आप ले लेंगे। अब US डॉलर लेके आप वियतनाम चले गए, वियतनाम जाने के बाद आपको $25 भैया ये अलग से निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि जब आप वहाँ पे वीजा के ले जाएंगे तो $25 वहाँ पे पेमेंट आप करेंगे, और बाकी का पैसा इस तरह गड्डी बना के अपने जेब में डाल लीजिएगा। बाहर निकल के आप वियतनाम में अगर आप लोकल करेंसी नहीं लेते हैं तो आप वहाँ पे US डॉलर मतलब अमेरिकन डॉलर में भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वियतनाम की लोकल करेंसी कैसी होती है। तो वियतनाम में सबसे छोटा जो रुपया है ये 2000 का नोट है, आप देख लीजिए। उसके बाद ऊपर चलेंगे आप तो ये 5000 का नोट है। इतनी बारीकी से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी आपको चीट ना कर सके, वहाँ पे किसी भी आप धोखे में ना पड़े। तीसरा नोट आ जाएगा आपका ये 10000 का, ये 10000 का नोट है वहाँ का, देखा ये 20000 डॉन का। अब चौथा नोट आपका आ जाएगा ये 50000 का, ये 50000 का वियतनाम डॉन है, 50000 का नोट है। पांचवा आपका आ जाएगा ये 1,00,000 रुपए का, ये 1,00,000 वियतनाम डॉन है। चलिए आपने नोट की तो पहचान कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। आप जहाँ भी वियतनाम में रुपए चेंज कराएंगे तो यही नोट आपको मिलेंगे। ज़्यादा आपको 1,00,000 वाली मिल जाएगी या 50,000 वाली मिल जाएगी। अब वियतनाम आपने घूम लिया, आपके पास वहाँ की लोकल करेंसी मतलब वियतनाम डोंग बच गए, तो अब क्या करेंगे आप? वियतनाम छोड़ने से पहले आपको फिर नज़दीकी वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में चले जाइए और वहाँ पे अपना ये वहाँ का वियतनाम डोंग दे दीजिए और उसके बदले आप US डॉलर ले लीजिए या तो इंडियन करेंसी ले लीजिए। इंडियन करेंसी आप लेंगे तो आप इंडिया में आके यूज कर सकते हैं, US डॉलर लेंगे तो आप इंडिया में आके आप नज़दीकी वेस्टर्न यूनियन या थॉमस कुक या फिर इबिक्स बनी के ऑफिस में जाके वो चेंज करके आप अपना इंडियन करेंसी वापस ले सकते हैं। सो दोस्तों, वियतनाम में आप अपने वीज़ा, मास्टर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाके या कुछ सामान लेते हैं वहाँ पे कार्ड स्वैप करते हैं तो उसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। अगर आप ATM से पैसा निकालते हैं तो उसका आपका बैंक चार्ज ले सकता है, 150 से 200 रुपये चार्ज ले सकता है पर ट्रांजेक्शन। तो आप इस प्रकार अपने वीज़ा, मास्टर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड को भी वियतनाम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, हम यहाँ भी हैं फेसबुक, यहाँ पर जाएँ, लिखें सुरेश आइडिया, यहाँ पे मेरे पेज खुल जाएगा, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बुक इंस्टाग्राम, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, सो दोस्तों इसी प्रकार आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च में जाएं, लिखें सुरेश आइडिया, यहाँ क्लिक करके मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, यहाँ से फॉलो कर लें। लहसुन जो भी है, कहीं पर भी आप सुरेश आइडिया लिखिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, इससे हमारा आपका संपर्क मजबूत होता रहेगा। सो दोस्तों, ये था मेरा वियतनाम का करेंसी एक्सचेंज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछताछ या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जगह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कबो चीट कबो पट, संयम मारे सट्टा सट। भाई मेरे से नहीं गिना जाएगा यार। अब इन नोटों को समेटू तब ना। नजरिया।